मुंबई के मानखुर्द इलाके में शुक्रवार तड़के कबाड़ के एक गोदाम में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां, 10 टैंकर और 150 दमकल कर्मी मौके पर तैनात किए गए। आग तड़के करीब 3 बजे लगी। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आग में किसी के झुलसने की सूचना अब तक नहीं है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बाजार में कई दुकानों में बिजली के तार और कबाड़ का सामान बिखरा पड़ा रहता है। बाजार मुंबई के पूर्वी उपनगर में वीर जीजा माता भोसले मार्ग पर स्थित है। वहीं सितंबर में भी इसी बाजार में आग लगने की खबर सामने आई थी। उस वक्त आग बाजार की 7 से 8 दुकानों में लगी थी, जहां खाली केमिकल ड्रम सहित विभिन्न प्रकार की स्क्रब सामग्री रखी हुई थी।